हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हर किसी की जन्म लग्न कुंडली में कोई एक ऐसा प्लैनेट होता है जो उसके लग्न राशि के हिसाब से विलन माना जाता है, यानी वो प्लैनेट उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अनफेवरेबल होता है। तो चलिए इसी बारे में मैं आज आप सबको जानकारी देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। आज दिवाली के बाद वाली पंचमी है और हर किसी के शॉप में पूजा चल रही है पंचमी की, तो हो सकता है कि बाहर पटाखे जल रहे हो, लोगों के आवाज़ आ रहे हो और कोई ढोलक बजा रहा हो, तो उस नॉइज़ के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आ जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी एट ekta.khodkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी, साथ ही में मेरा ईमेल आईडी ऊपर भी आपको फ्लैश हो जाएगा। चलिए अब हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की। याद रखिए, मैं यहाँ पे राशि की नहीं लग्न की बात कर रही हूँ और लग्न कुंडली के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से हर एक इंसान के लिए कौन सा एक ऐसा ग्रह अनफेवरेबल होता है इस बारे में मैं बता रही हूँ। तो मेष लग्न वाले लोगों के लिए जो अनफेवरेबल प्लैनेट होता है वो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। तो मेष लग्न वाले लोगों ने जो उपाय करना चाहिए इस मर्क्यूरी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, वो है कि हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। हरा चारा या फिर पालक आप गाय को भी खिला सकते हैं या फिर दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हर रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल यानी अर्घ्य देना चाहिए। इससे मर्क्यूरी का जो बुरा प्रभाव है वो मेष लग्न वालों के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि पर्सनल जन्म लग्न कुंडली में किसी व्यक्ति के मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग हो, उच्च का हो, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केसेस डेफिनेटली है। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वाले लोगों की। वृषभ लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन होता है या फिर जो अनफेवरेबल प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वृषभ लग्न वाले लोगों ने येलो कलर की चीज़ों का दान थर्सडे के दिन करना चाहिए। अगर चाहे तो आप लोग गाय को पके हुए केले भी एवरी थर्सडे को खिला सकते हैं। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का पठन वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वाले लोगों की। मिथुन लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो एक प्लैनेट अनफेवरेबल हो सकता है वो है मंगल यानी मार्स। तो मार्स के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मिथुन लग्न वाले लोगों ने एवरी ट्यूसडे को रेड कलर का कोई भी फ्रूट जैसे एप्पल को डोनेट करना चाहिए या फिर गाय को खिलाना चाहिए और उसके साथ साथ डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न वाले लोगों की। कर्क लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन होता है वो होता है वीनस यानी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कर्क लग्न वाले लोगों ने देवी माँ को, फिर वो चाहे कोई भी देवी माँ का स्वरूप हो सकता है, देवी माँ को व्हाइट कलर का फ्लावर अर्पण करना चाहिए। अगर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एवरी फ्राइडे को शाम के समय ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो डेली करना चाहिए या फिर एटलीस्ट एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे को ज़रूर करना चाहिए। मेल है, जेंट्स है तो आप रुद्राक्ष की माला के ऊपर कर सकते हैं, फीमेल है तो आप लोग स्फटिक की माला के ऊपर इसका जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न वाले लोगों की। सिंह लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन साबित होता है वो होता है सैटर्न यानी शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सिंह लग्न वाले लोगों ने सबसे पहले तो एवरी संडे को अर्ली मॉर्निंग में उठ के नहा के सूर्य भगवान को जल यानी अर्घ्य देना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने करनी चाहिए वो है कि हर शनिवार की शाम को यानी सनसेट के बाद सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य जलाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न वाले लोगों की।
कन्या लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन साबित होता है वो ग्रह होता है मार्स यानी मंगल। तो मंगल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कन्या लग्न वाले लोगों ने हर रोज, एंड अगर हर रोज पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे को बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए, और इसके अलावा एवरी ट्यूसडे के दिन मीठी चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न वाले लोगों की। तुला लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन यानी अनफेवरेबल प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो गुरु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए तुला लग्न वाले लोगों ने हर रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिला के जल चढ़ाना चाहिए, यानी हल्दी मिलाए हुए पानी से अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा तुला लग्न वाले लोगों ने एवरी थर्सडे के दिन येलो कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे पीतल का मेटल है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा दे सकते हैं आप दान में, या फिर अगर बृहस्पति का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव हो तो आप लोग एवरी थर्सडे को गाय को पके हुए पीले केले खिला सकते हैं, किसी को येलो चने की दाल दे सकते हैं, बेसन के लड्डू दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें येलो कलर की आप थर्सडे के दिन डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले लोगों की। वृश्चिक लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन यानी अनफेवरेबल प्लैनेट साबित होता है वो होता है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वृश्चिक लग्न वाले लोगों ने संकष्ट चतुर्थी का उपवास रखना चाहिए। इसके अलावा एवरी ट्यूसडे को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और हर रोज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। धनु लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन होता है यानी जो अनफेवरेबल प्लैनेट होता है वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए धनु लग्न वाले लोगों ने एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे को शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहे तो कच्चे दूध से और पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ 108 बार यानी कम से कम एक माला नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर लग्न वाले लोगों की। मकर लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन यानी अनफेवरेबल प्लैनेट साबित होता है वो है मून यानी चंद्रमा। खराब चंद्रमा की वजह से कई बार मकर लग्न वाले लोगों को पारिवारिक समस्या उठानी पड़ती है, पाचन संबंधी समस्या उठानी पड़ती है, साथ साथ संतान संबंधी समस्या भी उठानी पड़ती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए मकर लग्न वाले लोगों ने हर रोज अपने माथे पे और अपने कंठ के ऊपर सफ़ेद चंदन का यानी व्हाइट सैंडलवुड का टीका यानी तिलक लगाना चाहिए, और इसके साथ साथ हर पूर्णिमा का फास्ट रखना चाहिए। कुंभ लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन होता है वो होता है सन यानी सूर्य। तो सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कुंभ लग्न वाले लोगों ने हर रोज सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी जल चढ़ाना चाहिए, और इसके साथ साथ एवरी संडे के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। मीन लग्न वाले लोगों की कुंडली में जो विलन ग्रह साबित होता है वो है शुक्र यानी वीनस ग्रह। भले ही शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है लेकिन मीन लग्न वालों के लिए वीनस अनफेवरेबल साबित होता है। तो वीनस के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मीन लग्न वाले लोगों ने सबसे पहले तो एवरी फ्राइडे को व्हाइट स्वीट्स का यानी जो भी सफ़ेद कलर की मिठाइयाँ होती हैं उनका दान करना चाहिए, और उसके साथ साथ सारे लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए। सो आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।